दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लोग इस दिन बाजारों से माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं और उन्हें अपने घर के देवालय में स्थापित कर परिवार के साथ प्रदोष काल में पूजा अर्चना करते हैं। जब हम बाजारों में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खंडित ना हो और ना ही उनकी मूर्ति आपस में जुड़ी हुई लेकर आए। और क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी सुनिए। गजाननम भूत गणादि सेवितां कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी पूजन के समय जब हम सब कार्तिक मास में अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है अपने घर के देवालय में, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जब दीपावली का पर्व आता है तो हमें नई मूर्ति बाजार से खरीद करके लानी चाहिए और पुरानी जो मूर्ति है उसको हम एक प्रवाहित कर दें, अर्थात उसको सलाना पड़ता है गंगा जी में। माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह एक मिट्टी की हो, कहने का अभिप्राय यह है, अन्य धातु की यदि होती है तो यदि हम उसको प्रवाहित करते गंगा में, कोई भी मूर्ति होती है अन्य किसी केमिकल से बनी होती है तो गंगा में प्रवाहित करने पर अनेक जीव जंतुओं के लिए हानि होती है और उन जीव जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए फिर हम पुण्य के बजाय हम पाप करते हैं, उसका पाप हो जाता हमारे हाथों से। तो मिट्टी की ऐसी मूर्ति लाएं बहुत अच्छी, जो हम अपने मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें और माता लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र एवं लाल चुनरी को उसको उढ़ाएं या उसको धारण कराएं। तो इस प्रकार जब ये हम करेंगे तो घर में पूजा करने से हमारे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो सभी इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की इस प्रकार की मूर्ति लाएं, और जो गणेश जी हैं, गणेश भगवान जी की जो हमारी तुंड है अर्थात जो सुंड है उसका थोड़ा जो मुख है वो दाई ओर हो, तो ऐसी मूर्ति ही बहुत श्रेष्ठ होती है और पूजा करने पर हमें सकारात्मक फल प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी हम मूर्ति घर में लाते हैं मूर्ति को भली भांति उसको देख परख कर ही लें, क्योंकि मूर्ति खंडित ना हो, यदि खंडित होगी तो खंडित होने पर उसका घर में दुष्प्रभाव होगा और नकारात्मक ऊर्जा आएगी और इसका माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कोई हमें फल प्राप्त नहीं होगा। और माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई न हो, अलग अलग मूर्ति हो और गणेश जी उनके दाई ओर विराजमान हो, इस प्रकार का ध्यान रखें और अपने घर में सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक दीपावली का पर्व मनाएं। फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से सायंकाल के समय अर्थात थोड़ा रात्रि होने पर भली भांति पूजा करें।